अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चाशनी वाली गुजिया की रेसिपी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे आप शाम के स्नैक्स के लिए या फिर गेस्ट आएँ तो उसके लिए भी बना करके सर्व कीजिए, और 2 से 3 दिनों तक रख कर स्टोर करके भी आप इसे खा सकती हैं। तो आइए इसके लिए हम देखते हैं क्या क्या लेंगे। सबसे पहले तो मैंने मैदा लिया है, यहाँ पर मैंने 300 ग्राम। 1 बड़े चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे और इन दोनों को पहले सूखे ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हाथों से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक अच्छा सा डो बना लेंगे। हमें टाइट डो बनाना है, बिल्कुल ही टाइट। तो इस बात का आप ख्याल रखिए कि पानी ज़्यादा ना डालें। तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरह से हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा करके आटे को और अच्छे से चिकना कर लेंगे। हाथों से मसल मसल कर आप अच्छे से इसे अच्छा डो बना लीजिए। देखिए कितना टाइट डो है। इस तरह से हम हाथों से मिक्स कर देंगे और मैदे को ढककर हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच घी, ये देसी घी है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे रिफाइंड तेल में भी इजीली बना सकती हैं। इसमें हम लेंगे 2 लौंग और 1 हरी इलायची। जब तेल में इसकी खुशबू आ जाए तो हम इसमें सूजी डाल देंगे, यानी रवा। मैंने यहाँ पे मोटा वाला रवा लिया है, 2 बाउल लिया है, यानी 200 ग्राम और इसे भून लेंगे हम। हाई फ्लेम पे ना भूने, मीडियम रखें फ्लेम को। इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए आप इसे भून लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे से समझनी है तो मेरे वीडियो को पूरा ही देखिए एंड तक। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है। बस ध्यान रहिए कि आप हाथों को ना रोके, कंटिन्यू चलाते रहें। इसमें हम डाल देंगे मावा, 200 ग्राम अगर आप सूजी ले तो उसमें 100 ग्राम आप मावा डाल दें और इसे हम अच्छे से चला देंगे, यानी मिक्स कर देंगे रवे के साथ। इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। इसमें अब हम डाल देंगे शक्कर, यानी शुगर। मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। मैंने अंदर में बहुत ही कम डाला है शक्कर, क्योंकि हमें बाहर से चाशनी भी बनानी है। तो इसे भी हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसमें हम डाल देंगे कुछ नट्स, मैंने बादाम लिया है, बादाम को मैंने क्रश कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें किशमिश और काजू का भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसे हम उतार देते हैं। गूंधा हुआ मैदा रखे हुए हमें आधा घंटा हो चुका है। इसकी हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे, बिल्कुल ही पूरी के साइज़ का, बहुत ही छोटा छोटा लें आप। तो इसी तरह से हम सारे बॉल्स को बनाकर रेडी कर लेंगे। या फिर अगर आप चाहें तो एक बड़ी रोटी बनाकर और उसे आप ग्लास की हेल्प से कट करके भी फिल कर सकती हैं। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो उस तरह से कर लीजिए। अब हम इसकी छोटी छोटी पूरी बना लेंगे। आप थोड़ा थोड़ा मैदा भी डस्ट कर सकती हैं ऊपर से। और इस पर हम डाल देंगे फिलिंग, 1 से 1.5 चम्मच, यानी 1.5 टेबल स्पून। और साइड पे हम लगा लेंगे पानी,
पानी का मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से कॉर्नर चिपक जाए। और इस तरह से एक साइड से उठाते हुए दूसरी साइड पे हम चिपका देंगे उंगली की हेल्प से। मैंने इसे उंगलियों से शेप दिया है, इस तरह से डिज़ाइन बना लीजिए। थंब से दबाते हुए और उंगली से ऊपर उठाइए, इस तरह से मैंने इसका शेप दे दिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। अगर आप इसे बनाने में कंफर्टेबल नहीं है तो फोक की हेल्प से भी साइड एजेस को आप दबा सकती हैं। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, उसमें डाला है तेल यानी रिफाइन ऑयल, हाई फ्लेम पे रखेंगे हम। छोटा सा टुकड़ा इसमें हम डाल के देखेंगे तेल हमारा गर्म हुआ या नहीं। तो तेल गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करके इसमें डाल देंगे बने हुए गुजिया। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे रेसिपी की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो अब हम इसे पलट देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिलते रहे। तो ये गोल्डन हो चुका है, अब इसे हम निकाल देंगे। देखिए ये अभी से ही कितना यमी लग रहा है। हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसे ट्राई करने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम शक्कर यानी शुगर और इसमें हम उतना ही पानी डाल देंगे। जितना मैंने शक्कर लिया है उतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे। अगर आपके शक्कर में कुछ गंदगी है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके इसे साफ कर लीजिए। हाई फ्लेम पे हम इसे बॉईल करते रहेंगे। इसकी चाशनी हमें थोड़ी चिपचिपी बनानी है। तो चाशनी हमारी हो चुकी है, इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। और इसे 2 सेकंड के बाद वापस से पलट देंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक ये अच्छी बात है कि आप इसे 2 से 3 दिनों के लिए रख करके भी खा सकती हैं और ये तो आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। देखिए कितना रिच लग रहा है हमारा चाशनी वाला गुजिया। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसके ऊपर से हम थोड़े से नट्स डाल देंगे। मैंने बादाम लिया है क्रश करके, इसे अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे चारों साइड से। तो फ्रेंड्स, हमारी चाशनी वाली गुजिया बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्योंकि मीठा तो बच्चों का फेवरेट होता है तो ईज़िली आप इसे घर पे बनाइए और अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ ट्राई करें, शेयर करें।